गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्वाइपिंग। स्वाइपिंग प्लस सेगमेंटेशन, ये देखेंगे आप कि स्वाइपिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होता है। तो जैसे कि इससे पहले पेजिंग आपने पढ़ा था, नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन के अंदर ये पार्ट है। तो स्वाइपिंग में क्या करते हैं, जैसे आपने कई बार दो नंबर्स को स्वाइप कराया होगा, उसका प्रोग्राम भी बनाया होगा, तो स्वाइपिंग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा बहुत जरूर होगा। यहाँ पर जो स्वाइपिंग का कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो थोड़ा मेमोरी से और सीपीयू और मेमोरी, सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित है आपका स्वाइपिंग कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं स्वाइपिंग कॉन्सेप्ट को, स्वाइपिंग क्या होती है, तो देखते हैं। अ प्रोसेस कैन बी स्वाइप्ड, एक प्रोसेस जो है स्वाइप्ड होता है टेम्पोरली आउट ऑफ मेमोरी टू अ बैकिंग स्टोर। तो टेम्परेरी कोई प्रोसेस स्वैप्ड हो सकता है मेमोरी से बाहर, पर वो होगा कहाँ, बैकिंग स्टोर यानी हार्ड डिस्क, यानी एक बैकअप उसका हमें रखना पड़ेगा। एंड देन ब्रॉड बैक इन टू मेमोरी फॉर कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, और बाद में उसको वापस हम मेमोरी में लाते हैं एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए। पर कैसे, तो टोटल फिजिकल मेमोरी स्पेस ऑफ प्रोसेसेस कैन एक्सीड फिजिकल मेमोरी। ये तब ऐसा होता है जब आपके मेमोरी का जो स्पेस है वो कम पड़ जाता है प्रोसेस के स्पेस से। अगर छोटे छोटे प्रोसेस आते रहते हैं तो हमें स्वाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसी में उसका मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मेमोरी होती है लिमिटेड, तो जब कभी भी लिमिटेड स्पेस आता है तो लिमिटेड स्पेस आने की वजह से क्या होता है कि हमें कुछ तो जैसे कि आपने देखा बैकिंग स्टोर है, तो बैकिंग स्टोर क्या होता है कि फास्ट डिस्क लार्ज इनफ टू अकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोरी इमेजेस फॉर ऑल यूजर्स, तो मस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू दीज मेमोरी इमेजेस। तो जैसे रोल आउट रोल इन होता है, तो स्वाइपिंग वेरिएंट क्या है, बेसिकली स्वाइपिंग वेरिएंट है रोल इन रोल आउट या स्वाइप इन स्वाइप आउट। इनका यूज हम करते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस इज स्वाइप्ड आउट सो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो वो लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रोल आउट करता है, स्वैप आउट करता है। मेजर पार्ट स्वैप टाइम इज ट्रांसफर टाइम, यानी टोटल ट्रांसफर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप। तो ये बेसिक जो वेरिएंस है जो मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, स्वैपिंग में डज द स्वैप आउट प्रोसेस नीड टू स्वैप बैक इन टू सेम फिजिकल एड्रेसेस। तो डिपेंड्स ऑन एड्रेस बाइंडिंग मेथड प्लस कंसीडर पेंडिंग इनपुट आउटपुट टू फॉर्म प्रोसेस मेमोरी स्पेस। तो डिपेंड्स ऑन द एड्रेस बाइंडिंग मेथड, तो ये एड्रेस बाइंडिंग मेथड पे डिपेंड करता है।
प्लस कंसीडर पेंडिंग इनपुट आउटपुट टू फ्रॉम प्रोसेस मेमोरी स्पेस। तो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्वैपिंग आर फाउंड ऑन मैनी सिस्टम, दैट इज यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज। तो स्वैपरी नॉर्मली डिसेबल्ड है, स्टार्टेड इफ मोर देन थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड, डिसेबल्ड अगेन वंस मेमोरी डिमांड रिड्यूस बिलो थ्रेशोल्ड। तो जैसे कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्वैपिंग आर फाउंड ऑन मैनी सिस्टम, तो मॉडिफाइड वर्जन स्वैपिंग का आप बहुत सारे सिस्टम्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम में पाएंगे, जैसे यूनिक्स में पाएंगे, लिनक्स में पाएंगे, विंडोज में पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है एड्रेस बाइंडिंग मेथड पे, यानी कि स्वैप आउट प्रोसेस नीड टू स्वैप बैक इन सेम फिजिकल एड्रेस। ठीक है, जैसे ये स्कीमेटिक व्यू ऑफ स्वैपिंग है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, इस पूरे उसमें कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये यूजर स्पेस हो गया, जैसे कि अभी आपने देखा। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूजर स्पेस हो गया, ये मेन मेमोरी है, ये स्वैप आउट, ये स्वैप इन, ये प्रोसेस पड़ी हुई है दो, P1 एंड P2, ये बैकिंग स्टोर यानी हार्ड डिस्क है। तो एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि सपोज करिए ये मेन मेमोरी है आपकी, ये आपकी हार्ड डिस्क है। क्या होता है, कभी कभी यूजर प्रोसेस बहुत बड़ा होता है जो इसमें, इस मेमोरी स्पेस में सुटेबल नहीं बैठ पाता है, और मेमोरी पे ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही प्रोसेस को लंबा समय देते रहें या लंबा स्पेस दे रहे हैं। जब कभी भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या होता है कि उसको जो है मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है एज ए बफरिंग। अगर कोई प्रोसेस हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, उस प्रोसेस को जैसे हम स्वैप इन कराते हैं इस यूजर स्पेस में ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, तो वो प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे वर्चुअली क्रिएट करते हैं, एक वर्चुअल मेमोरी यहाँ क्रिएट कर देते हैं। तो जितना प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट होना होता है उतना प्रोसेस यूजर स्पेस पे आ जाता है, अब बाकी का स्पेस का जो बाकी का पार्ट है वो हम इस वर्चुअल मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो यूजर को लगता है कि मेरा पूरा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। और जैसे ही वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, उस पार्ट को वापस उसी एड्रेस पे स्वैप आउट करा दिया जाता है, अब बाकी नेक्स्ट पार्ट को दोबारा स्वैप इन किया जाता है। यही प्रोसेस चलती रहती है जब तक यूजर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ही यूजर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसे छोड़ती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम पढ़ा, उसमें क्या करते हैं कि हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जितना एग्जीक्यूशन टाइम उसमें खर्च होता है, उसके बाद अचानक से कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है यार, तो हम बाकी की प्रोसेस को क्या करते हैं, जिस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर देते हैं, वहां से उसको हटा देते हैं और हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को रनिंग स्टेट में ले आते हैं। तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना हार्ड डिस्क में, तो वो जाता मेमोरी में ही है, पर मेमोरी उसको क्या भेज देती है, एक बैकिंग स्टोर में भेज देती है।
और जैसे ही हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम उस लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस को दोबारा बैकिंग करते हैं मेमोरी में, और यदि मेमोरी में प्रोसेस आ गई मतलब एग्जीक्यूशन टाइम उसको तुरंत सीपीयू मिल जाता है, फिर वो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो इन केस फिर से कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देगा। तो जब उसको प्रियंट कर देगा तो फिर हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अपनी जगह बनाएगा, यानी वो प्रोसेस फिर से स्वैप आउट होके चला जाता है हार्ड डिस्क में। और जो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को स्वैपिंग करा लेते हैं तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बेस में ज्यादा ये आउट होता है आपका स्वैपिंग स्वैप आउट, कि ये प्रोसेस आपका स्वैपिंग है तो इसको हमें स्वैप आउट कराया। ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है हार्ड डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, सॉरी मेमोरी के बीच में। ये उसी कंडीशन में चलती रहती है जैसे हम स्वैपिंग और स्वैप आउट कराते हैं। इसी तरह हम इसमें देखते हैं बहुत सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉन्टिगस एलोकेशन है तो लिमिटेड रिसोर्स है, मस्ट एलोकेट इफिशियंटली। कॉन्टिगस एलोकेशन है इज वन अर्ली मेथड, मेन मेमोरी यूजुअली इन टू पार्टीशन, ठीक है ना। तो रेजिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली हेल्ड इन लो मेमोरी विथ इंटरप्ट वेक्टर एंड यूजर प्रोसेस देन हेल्ड इन हाई मेमोरी। ईच प्रोसेस कंटेन्ड इन सिंगल कॉन्टिगस सेक्शन ऑफ मेमोरी। इसी तरह रिलोकेशन रजिस्टर, बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर यूज होते हैं। बेस रजिस्टर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस की वैल्यू होती है। लिमिट रजिस्टर में क्या होता है, रेंज ऑफ लॉजिकल एड्रेस, ईच लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी लेस देन द लिमिट रजिस्टर। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मैच लॉजिकल एड्रेस डायनेमिकली, ये चीज़ें होती हैं। ये रहा आपका हार्ट बीट सपोर्ट, रिलोकेशन और लिमिट रजिस्टर का, जिससे पहले भी मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि लॉजिकल एड्रेस आएगा, लिमिट रजिस्टर इसमें ऐड होगा, अगर उसका वैल्यू ज़्यादा होता है तो एरर देगा, कम होता है तो आगे बढ़ेगा। और फिर इसके बाद ये प्लस होके आपके फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन है तो उसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लिमिटेड बाई नंबर ऑफ पार्टीशन। वेरिएबल साइज में क्या होता है कि साइज ऑफ गिवन प्रोसेस नीड होल ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी, होल्स ऑफ वेरिएबल वेरियस साइज ऑफ सेकर्ड थ्रू ऑफ मेमोरी। एंड अ प्रोसेस अराइव्स इट इज एलोकेटेड मेमोरी फ्रॉम होल लार्ज इनफ टू अकोमोडेट इट। द प्रोसेस एक्साइटिंग फ्रीज इन पार्टीशन, एडजेसेंट फ्रीज पार्टीशन कंटेन, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, इसमें एलोकेटेड पार्टीशन होगा और फ्री पार्टीशन होगा, ठीक है। ये मल्टीपल पार्टीशन के लिए मैंने आपको फिगर यहाँ पे दिखा दिया। फिर डायनेमिक स्टोरेज, आपका एलोकेशन प्रॉब्लम है, हाउ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट ऑफ साइज एंड फॉर्म टू लास्ट टू लिस्ट ऑफ फ्री होल्स। जैसे फर्स्ट पिट है, बेस्ट पिट है, वर्स्ट पिट है। फर्स्ट पिट में क्या है, एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ। बेस्ट पिट एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ। मस्ट सर्च इंटायर लिस्ट अनलेस ऑर्डर्ड बाय साइज, रिड्यूस द स्मॉलेस्ट लेफ्ट ओवर होल। वर्स्ट पिट में क्या, एलोकेट द लार्जेस्ट होल, इसमें लार्जेस्ट होल में ही ये डेटा स्टोर करता है, या आपका पहला होल मिलेगा तो उसमें स्टोर करेगा। बेस्ट पिट में क्या है, जो स्मॉलेस्ट होल मिलेगा पूरी लिस्ट में उसमें करेगा। तो फर्स्ट पिट और बेस्ट पिट बेटर देन वर्स्ट पिट इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज यूटिलाइजेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का कंडीशन कॉन्टिगस में आता था सब में, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट, बट इट इज नॉट कॉन्टिगस। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एलोकेटेड मेमोरी मे बी स्लाइटली लार्जर देन रिक्वेस्टेड मेमोरी। दिस साइज डिफरेंस
इज मेमोरी इंटरनल टू पार्टीशन बट नॉट बीइंग यूज्ड, यानी इंटरनल फंक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस आई, उसको साइज है 15 KB का, मेमोरी का स्लॉट है 20 KB का, और इससे कोई छोटा स्लॉट नहीं है तो वो 20 KB में अपनी जगह बनाएगा, पर 5 KB का स्लॉट वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। इट इज़ अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास टोटल मेमोरी स्लॉट में हम देखते हैं कि हमारा टोटल कितना स्लॉट बर्बाद हुआ, तो हर ब्लॉक में, हर होल में 5-5 या 10-10 KB का टोटल स्पेस हम काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कि मान लीजिए हमारे पास 10 KB का होता है, लेकिन नॉन कॉन्टिगस में नहीं होता है, ये कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन में चीज़ें होती हैं, नॉन कॉन्टिगस में चीज़ नहीं होती है। नॉन कॉन्टिगस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो हम स्पेस को ले लेते हैं, तो अगर मान लीजिए 6 KB का स्पेस बच रहा है टोटल ब्लॉक में, टोटल पार्टीशन में, और कोई प्रोसेस आपका 5 KB का है, तो हम वो 5 KB का स्पेस उसको वहाँ पे दे देंगे। इससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से हम 99% बच जाते हैं। तो कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन में दोनों फ्रेगमेंटेशन यूज होते हैं, दोनों फ्रेगमेंटेशन वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, लेकिन नॉन कॉन्टिगस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं बनता है, तो फिर इंटरनल भी नहीं बनेगा। ये चीज़ें वहाँ पर हम देख लेते हैं। रिड्यूस द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बाई कम्पैक्शन। कम्पैक्शन के माध्यम से हम इसको करते हैं कि हम सफल मेमोरी कंटेंट टू प्लेस ऑल थ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक, सभी मेमोरी मिला के एक लार्ज ब्लॉक बना देते हैं। तो कंपैक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ रिलोकेशन इज डायनेमिक एंड इज डन टू एट एग्जीक्यूशन टाइम। आईओ प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि जो लेस जॉब है इन मेमोरी, राइट, इट इज इन्वॉल्व इन इनपुट आउटपुट, तो डू इनपुट आउटपुट ओनली इन टू OS बफर। नाउ कंसिडर द बैकिंग स्टोर हैज सेम फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। सेगमेंटेशन में जैसे कि अभी हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट द कैन सपोर्ट यूजर व्यू ऑफ मेमोरी, अ प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ सेगमेंट, अ सेगमेंट इज ए लॉजिकल यूनिट, सच एज मेन मेमोरी, प्रोसीजर, फंक्शन, मेथड, ऑब्जेक्ट, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल बैटेबल, एरे। तो यूजर व्यू ऑफ प्रोग्राम में जैसे कि हम देखेंगे कि सपोज करिए आपके पास कोई लॉजिकल एड्रेस स्पेस है जिसमें एक सब रूटीन फंक्शन ले रखा है आपने, एक स्टैक ले रखा है, एक सिंबल टेबल है, एक मेन प्रोग्राम है, एक स्क्वायर है, ये सारे के सारे आप देखिए फिक्स साइज के नहीं हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोसेस आपके या स्लॉट फिक्स साइज के हों, ये ज़रूरी नहीं होता। ये देखिए इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, सारे के सारे। तो क्या होता है कि सब को हम एक साथ, इसका जो लॉजिकल भी होता है, ये फिजिकल मेमोरी स्पेस है, ये यूजर स्पेस है, वन सबके अलग अलग स्पेस है, इन सबको हम यहाँ मेमोरी पे लाते हैं। तो ये पार्टीशन होता है, ये पार्टीशन जो है ज़रूरी नहीं है कि फिक्स साइज पार्टीशन हो, ये फिक्स साइज पार्टीशन नहीं हो सकता, ये अनफिक्स साइज पार्टीशन होता है, अनफिक्स, यानी कि पार्टीशन जो है आपका छोटा बड़ा हो सकता है, सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका छोटा हो सकता है। तो इसके आर्किटेक्चर में क्या होता है, इसका लॉजिकल एड्रेस जो है पेज नंबर की जगह सेगमेंट नंबर होता है, ऑफसेट होता है। सेगमेंट टेबल में मैथ टू डायमेंशनल फिजिकल एड्रेसेस, ईच टेबल एंट्री है बेस और लिमिट, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर दो चीज़ें होती हैं। तो बेस में क्या होता है, कंटेन द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस वेयर द सेगमेंट रिसाइड इन मेमोरी, लिमिट में क्या होता है, स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो जो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर है पॉइंट टू द सेगमेंट टेबल लोकेशन इन मेमोरी, और जो सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर है इंडिकेट द नंबर ऑफ सेगमेंट यूज बाय द प्रोग्राम।
तो सेगमेंट नंबर इज लीगल इफ एस इज लेस देन एस टी एल आर। ये सेगमेंटेशन हार्डवेयर है। ये देखिए, ये लिमिट और बेस सेगमेंट टेबल ये बनी हुई है, या आपका सी टू एक सेगमेंट नंबर एक ऑफसेट, सेम कॉन्सेप्ट वही लगता है। इसमें भी फिजिकल मेमोरी, फिजिकल एड्रेस आपका जनरेट होता है, जैसे कि आपने देखा। ओके, तो यहाँ हमने जिस कंडीशन में आपको बताया कि कैसे हम इसको यूज करते हैं सेगमेंटेशन को, तो जैसे कि पेज सेगमेंटेशन में आपने देखा था, पेज पेजिंग आर्किटेक्चर में, तो इस सेगमेंट की जगह क्या था, वहाँ पे पेज नंबर था, बट पार्टीशन आपका फिक्स होता था, इक्वल पार्टीशन। सेगमेंटेशन में क्या, अनइक्वल पार्टीशन होता है, ठीक है। ये अनइक्वल पार्टीशन आपका होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए सभी पार्टीशन अलग है। अब देखिए थ्री स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग स्पेस बड़ा है, टू है टू के हिसाब से बड़ा है, लेकिन फोर फोर के हिसाब से उसका स्पेस अलग है। अनइक्वल पार्टीशन होते हैं, यूजर के जो भी प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं मेमोरी में, इनके अकॉर्डिंग इसका लोकेशन निर्धारित होता है, कौन किस लोकेशन में जाए। तो ये था हमारा आज का सेगमेंटेशन और स्वैपिंग कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपने देखा। अब कल हम नेक्स्ट बात करेंगे, डिमांड पेजिंग है, पेज फॉल्ट है, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। ओके।